Drag flick specialist Rupinder Pal Singh, who made his comeback to the Indian team after missing out on the Olympic test event, is happy with the team's performance against World Champions Belgium before the Olympic qualifier against Russia. In an exclusive chat with NNIS Sports, Singh talks about team's performance, the draw against Russia in the qualifiers and the confidence of the team post their exemplary show on the tour to Spain. Of course, jo day by day team improve kar rahi thi aur dekha jaye kafi achhi performance rahi hai aur sabse badi baat ye thi ki hum har match jeet rahe the aur field goal nikal rahe the, plenty corner goal ho rahe the. To yahi tha ki jo bhi hamara structure tha uske upar humne kaam kiya aur uske upar concentrate kar rahe the main और कोचेस के जो टेक्निकल हॉकी के ऊपर जो भी उनका बिलीव था उससे हमें गोल निकले. पॉजिटिव यही है, वही जैसे मैंने बोला, प्लेंटी कॉर्नर के गोल हुए हमारे भी. आई थिंक 80% रिजल्ट रहा होगा, 80-85 इतना रिजल्ट हमारा प्लेंटी कॉर्नर रहा है. उसके बाद फील्ड गोल निकले हैं हमारे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने गोल बहुत कम कंसीड किए हैं पूरे टूर्नामेंट में, 3 गोल कंसीड किए हैं ना. तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने बहुत कम गोल कंसीड किए हैं और 20 गोल मारे हैं, तो वो एक अच्छी बात है. उसमें यही है कि रैंकिंग के हिसाब से नहीं हम खेल सकते, लेकिन ऑन द गिवन डे हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और जो भी हर प्लेयर के टास्क हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको पूरा करना पड़ेगा. आई फील कि जो मेरा स्पेन टूर था एक काफ़ी अच्छा गया है. डे बाई डे मैं इम्प्रूव कर रहा था और आई फील कि जो रशिया जो हमारा क्वालिफायर होगा तब तक मैं और अच्छे लाइक रिदम में होऊंगा. आई थिंक उससे एक सबसे बड़ी बात तो ये था कि हमने बेल्जियम को हरा के जो भी एक कॉन्फिडेंस वाइज हर प्लेयर का काफ़ी आई थिंक कॉन्फिडेंस बढ़ाया, क्योंकि एक तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा हमने चेंज किया था अभी फिर से, तो आई थिंक कि उसमें जो हमें प्रॉपर जो भी कम्बिनेशन थे या फिर कोऑर्डिनेशन था लाइंस के बीच में वो इम्प्रूव हुआ है. आई थिंक अभी हम जैसे थोड़ा सा डिफेंसिव 1-to-1 टेक्निक के ऊपर और काम कर सकते हैं, और उसके बाद जहाँ गोल स्कोरिंग के ऊपर फील्ड गोल के ऊपर हम थोड़ा और काम कर सकते हैं. कुछ ऐसे एरिया हैं कि हम टैकलिंग 1-to-1 और स्कोरिंग गोल्स.